Good to see you again. This is fifth lecture of physics chapter, The Human Eye and the Colorful World. इस लेक्चर में हम लाइट की स्कैटरिंग को समझेंगे तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर एंड मच मोर। तो जब लाइट इन सबसे टकराकर पास करती है, तब कभी कभार हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। इस प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आप एक डार्क रूम में जब छोटे से होल से लाइट आ रही होती है, आप ये तब नोटिस कर सकते हैं। या फिर एक डेंस फॉरेस्ट में ग्रीन बेल्ट से जब सनलाइट पास करती है, आप तब भी ये नोटिस कर सकते हैं। सर, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सनलाइट है वो बहुत सारे पार्टिकल से टकराकर अर्थ तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स, जो सनलाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, ये तो हमें पता है, पर इनमें से एक कलर है जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है और वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। वो कलर होता है ब्लू। इसी की वजह से जब सनलाइट यानी कि दिन में जब सन होता है, तब सनलाइट की वजह से जो ब्लू कलर है उसमें से वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है और इसीलिए हमें अपना स्काई ब्लू दिखता है। आपने नोटिस किया होगा कि रात को हमें स्काई ब्लैक दिखता है, क्योंकि उस टाइम सनलाइट नहीं होती और कोई भी कलर स्कैटर नहीं कर रहा होता। स्टूडेंट्स, एयरप्लेन में जब हम ट्रैवल करते हैं, तब जब एयरप्लेन बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करता है, तब वहां पर भी जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लैक ही दिखता है, क्योंकि लाइट स्कैटर नहीं करती। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी डेंजर साइंस होते हैं उनको रेड कलर से बनाया जाता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो स्कैटर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रेनी सीजन में भी, फॉग में भी वो हमें दूर से ही विजिबल होते हैं। सर, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का कलर रेडिश ऑरेंज क्यों होता है? जब सन अर्थ और स्काई की बाउंड्री पर होता है, तब वहां पे एयर की बहुत थिक लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से ब्लू तो स्कैटर होता ही है, साथ में जितने भी दूसरे कलर्स हैं वो भी स्कैटर होने लगते हैं। सिर्फ रेड कलर होता है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और वो सबसे कम स्कैटर करता है, और वही कलर हमारी आईज तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें अपना जो सन है और उसके आसपास का जो रीजन है वो रेड दिखाई देता है। सर, फिर जब सन दिन में बिल्कुल सर के ऊपर होता है, वो तब रेड क्यों नहीं दिखता, बल्कि तब तो वो येलो भी नहीं दिखता, वो हमें व्हाइट सा लगता है? दोपहर को हमारे और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उस टाइम तो ब्लू कलर भी बहुत कम ही स्कैटर होता है, और इसीलिए हमें सन व्हाइटिश कलर का दिखता है, क्योंकि उस टाइम उसमें सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन की हीट ज्यादा नहीं होती, पर दोपहर को सन की हीट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन हमसे बहुत दूर होता है, इसलिए हीट इतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।